स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेंसिडिटी। कि रेंसिडिटी क्या है? वेल, वी ऑल नो, अगर हम कोई भी हमारा कुक्ड फूड है, अगर हम कुछ लंबे समय तक उसे एटमॉस्फेयर में या फिर ऐसे ही रहने दें, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि उस फूड का टेस्ट अरोमा चेंज हो जाता है। ओके, सो इट मीन्स दैट वो फूड अब रेंसिड हो गया है, अब वो हमारे कंजम्पशन के लिए फेवरेबल या इटेबल नहीं है। ओके, तो रेंसिडिटी है क्या? कि व्हेन कुछ फैट्स एंड ऑयल अगर वो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हो, तो उनका जो टेस्ट अरोमा हो वो चेंज हो जाता है, उसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो ये टेस्ट अरोमा कैसे चेंज होता है? इट अकर्स ड्यू टू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन उनमें उसमें जब ऐड हो जाएगी फैट्स एंड ऑयल में, तो वो उनको ऑक्सीडाइज कर देंगे, और ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन का मेन कल्प्रिट है। ओके, सो द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट इन अ फूड रिजल्टिंग इन टू अ बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट, राइट, इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ओके, अगर फैट एंड ऑयल में ऑक्सीजन ऐड हो जाए, ठीक है, जिससे उनका जो टेस्ट है, स्मेल है, वो चेंज हो जाए, तो उसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। ओके, सो ये कॉमन मेथड है, ठीक है, ये कॉमन वेज है जिससे हमारा जो फूड है वो बहुत ईजिली रेडी टू कंज्यूम नहीं होता है, या फिर जिसे हम कंज्यूम नहीं कर सकते, बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। ओके, सो हम इसे कैसे रोक सकते हैं? हाउ वी कैन प्रिवेंट रेंसिडिटी? वेल, सबसे कॉमन है कि बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। ओके, हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर लें। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? एंटीऑक्सीडेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर लेते हैं। ओके, अगर मैं नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट की बात करूँ, तो वाइटामिन सी एंड सिट्रिक एसिड, ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट हैं। ओके, जो हमारी बॉडी के लिए जनरली बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं या बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं नेचुरल आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट की बात करूँ, तो बेंजोइक एसिड, ओके, बेंजोइक एसिड है, BHA है, ठीक है, तो ये सबसे कॉमन यूज होने वाले एंटीऑक्सीडेंट है। ओके, जो फूड को फर्दर डैमेज से या रेंसिडिटी से प्रिवेंट करते हैं। बेंजोइक एसिड सबसे कॉमनली यूज होने वाला एंटीऑक्सीडेंट है। वेल, सेकेंड वन इज रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। वेल, अभी तक के डिस्कशन से हमें ये पता चला कि जो ऑक्सीडेशन है रेंसिडिटी के लिए जो मेन कल्प्रेट है वो ऑक्सीजन है। सो एनी हाउ हमें ऑक्सीजन को रिप्लेस करना है। वेल, तो ऑक्सीजन को रिप्लेस हम नाइट्रोजन से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक इनर्ट गैस है। ओके, और जो फर्दर ऑक्सीडेशन को प्रोसीड नहीं करती है, तो जब नाइट्रोजन से हम ऑक्सीजन को रिप्लेस करेंगे, तो जो फूड स्टफ है वो लंबे टाइम तक हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं, डिकम्पोज वो नहीं होगा। ओके, तो जैसे अब जो भी हमारे चिप्स के पैकेट हैं या जो भी रेडी टू ईट फूड है, उन सभी में नाइट्रोजन फ्लश की जाती है, जिससे उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है, वो बहुत जल्दी रेंसिड नहीं होते हैं। सेकेंड, थर्ड वन इज रेफ्रिजरेशन ऑफ द फूड स्टेप। हम जो फूड स्टेप है उसे रेफ्रिजरेट कर लें, जिससे उसमें जो माइक्रोब्स हैं वो ग्रो ना हो सके और फूड डिकम्पोज ना हो बहुत इजीली। एंड द लास्ट वन इज वैक्यूम पैकिंग टू कीप ऑक्सीजन आउट। हम उसे वैक्यूम पैकिंग करें या फिर उन्हें जो स्टोर करें, तो एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें, जिसमें ऑक्सीजन या कुछ अदर गैसेस एंटर ना हो सके और जो फूड स्टफ है वो फर्दर डिकम्पोज ना हो या ऑक्सीडाइज ना हो। सो हेयर दीज आर सम कॉमन मैथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, राइट। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट दीज थिंग्स।